गाइज जियो ने लॉन्च किया एक बहुत ही धांसू प्रोडक्ट की गाइज, अगर ये प्रोडक्ट आपकी कार में नहीं हुआ तो इससे आपकी कार हो जाएगी बेकार, तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि गाइज इस एक प्रोडक्ट में इतने एक फीचर्स हैं कि गाइज इससे आप एक नॉर्मल कार को कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्मार्ट कार में। इस प्रोडक्ट का नाम है जियो मोटिव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जियो मोटिव्स के क्या क्या हैं मेन फीचर्स। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि जियो मोटिव डिवाइस को कैसे आप अपने कार के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हम ये भी देखने वाले हैं कि जियो मोटिव डिवाइस का क्या है प्राइस और कहां से आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं एकदम ही लोएस्ट प्राइस पर। तो हाय गाइज, मेरा नाम है शगुन और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज जियो मोटिव एक ऐसा डिवाइस है जो कि गाइज डायरेक्टली आपके कार के ओबीडी यानी ऑन बोर्ड डायग्नोसिस पोर्ट के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाएगा और गाइज साथ ही में ये ओबीडी पोर्ट यानी ऑन बोर्ड डायग्नोसिस पोर्ट आपके कार के डैशबोर्ड या स्टेयरिंग कॉलम के नीचे आपको काफ़ी इजिली मिल जाएगा। और गाइज साथ ही में ये और ओबीडी डिवाइसेस से अलग भी है क्योंकि गाइज और जो ओबीडी डिवाइसेस होती हैं उसमें गाइज आपको चाहिए होती है एक फिजिकल सिम, यानी कि उसमें आपको एक फिजिकल सिम इंसर्ट करनी पड़ेगी। फिर गाइज फिजिकल सिम में इंटरनेट का एक्सेस भी होना चाहिए, इसीलिए आपको एक एडिशनल रिचार्ज या कह लीजिए एक एडिशनल डेटा प्लान भी उस सिम पर एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। लेकिन गाइज इस जियो मोटिव डिवाइस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जियो मोटिव डिवाइस ई सिम इनेबल्ड है, यानी कि इसमें आपको कोई भी फिजिकल सिम डालने की जरूरत नहीं है। और गाइज साथ ही में बस आप इसमें अपने स्मार्टफोन से ही सेटअप कर सकते हैं इसकी ई सिम को और चाहे तो आप अपने स्मार्टफोन का गाइज जो डेटा प्लान है उसी को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, यानी कि इसमें आपको कोई एडिशनल रिचार्ज की भी जरूरत नहीं है। और गाइज ये 4G eSIM को सपोर्ट करता है और साथ ही में गाइज इसमें है वाईफाई हॉटस्पॉट भी, जिसकी सहायता से आप अपनी कार में अप टू 8 डिवाइसेस तक कनेक्ट कर सकते हैं और उन सभी डिवाइसेस में काफ़ी इजीली इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। इसीलिए गाइज ये काफ़ी अच्छा इसमें फंक्शन है कि गाइज इसमें एक वाईफाई हॉटस्पॉट है। तो गाइज अब अगर हम बात करें कि जियो मोटिव डिवाइस के क्या क्या मेन फीचर्स हैं, तो गाइज जो सबसे पहला फीचर है जो कि गाइज आपको इस डिवाइस में देखने को मिलेगा वो गाइज है रियल टाइम ट्रैकिंग। तो गाइज इसमें आप अपने स्मार्टफोन का यूज़ करके ये पता कर सकते हैं कि गाइज आपकी व्हीकल की करंट लोकेशन क्या है और गाइज साथ ही में इसमें स्पीड ट्रैकिंग और रूट यानी किस रास्ते से आपकी कार या व्हीकल गई है तो उसकी ट्रैकिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर हम साथ ही में बात करें तो गाइज अगर आप ड्राइव करते समय कहीं पर गाइज आप सडन एक्सेलरेशन या ओवर स्पीड या गाइज रैपिड ब्रेकिंग या कहीं कोई सडन टर्न लेते हैं तो गाइज उन सब सिचुएशंस में ये आपको अलर्ट करेगा आपके स्मार्टफोन पर और साथ ही में ये आपको आपके स्मार्टफोन पे अलग अलग टाइप के सजेशंस भी भेजेगा, जिससे कि गाइज आप एक बेटर ड्राइवर भी बन पाएंगे। और गाइज अगर हम साथ ही में बात करें तो गाइज इसका जो दूसरा फीचर है वो गाइज है जियो फेंसिंग। तो गाइज ये जियो फेंसिंग क्या होती है कि गाइज इसमें आप ऐप के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस को सेट कर सकते हैं, मतलब कि गाइज जैसे आपका होम ये है या गाइज आपका ऑफिस का एरिया ये है तो गाइज उसके बाद जब आपकी कार उस एरिया के अंदर आएगी या गाइज उसके बाहर जाएगी तो इससे आपको तुरंत अपने स्मार्टफोन पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी और साथ ही में वो एक अलर्ट साउंडिंग नोटिफिकेशन होगी जिससे कि गाइज आपको तुरंत पता चल जाएगा और गाइज आप इस पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं और गाइज इससे आपकी कार की सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन गाइज आप ये सोच रहे होंगे अगर किसी ने उस जियो मोटिव डिवाइस को आपके कार के ओबीडी पोर्ट से निकाल दिया तब क्या होगा? बात तो सही है। तो गाइज तब भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही कोई भी व्यक्ति आपके जियो मोटिव वाली डिवाइस को आपके ओबीडी पोर्ट से निकालेगा वैसे ही गाइज तुरंत आपके स्मार्टफोन पे अलर्ट का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे कि गाइज आप तुरंत ही अलर्ट प्राप्त कर पाएंगे और गाइज फिर आप उसके बाद उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। और गाइज साथ ही में इस जियो मोटिव डिवाइस में एक बहुत ही कमाल का फीचर है कार हेल्थ रिपोर्ट फीचर। तो गाइज इस फीचर की सहायता से ये जो जियो मोटिव डिवाइस है वो गाइज आपको रियल टाइम में आपके स्मार्टफोन पर आपकी कार की क्या हेल्थ चल रही है उसके बारे में भी बताती रहेगी, जैसे कि इसमें एयर इंटेक कैसा है आपकी कार में या गाइज इंजन पर लोड कैसा है, वरना पता लगा इंजन पर लोड इतना ज़्यादा हो कि गाइज कुछ दिनों के बाद आपकी कार गाड़ी कहीं बैल गाड़ी ना बन जाए।
तो गाइज यानी कि आपकी कार की हेल्थ से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं वो गाइज सभी पैरामीटर्स ये जियो मोटिव डिवाइस आपको रियल टाइम पर आपके स्मार्टफोन पे भेजती रहेगी। और गाइज साथ ही में अगर इस रिपोर्ट में मतलब इस डेटा में अगर कहीं कोई बड़ा वेरिएशन आता है तो गाइज उसका आपको अलर्ट भी तुरंत ही मिल जाएगा, जिससे कि गाइज इसमें आपको मेंटेनेंस कॉस्ट जो आपकी कार में आएगी वो गाइज काफ़ी ही कम हो जाएगी, समझ रहे हो। और गाइस साथ ही में इसमें ऑन डिवाइस एक्सेलरोमीटर और जायरोस्कोप जैसे सेंसर्स भी हैं। तो गाइस ये जो जियो मोटिव डिवाइस है वो इन सेंसर्स से डेटा कलेक्ट करती है और गाइस आपको एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर कोई ड्राइवर की एरर होगी तो गाइस उस टाइम पे आपके स्मार्टफोन पे तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो भी अलर्टिंग साउंड के साथ। तो गाइज इससे आप काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। तो गाइज ये फीचर काफ़ी अच्छा है आपकी और आपके कार की सेफ्टी के लिए। और गाइज साथ ही में इसमें वाईफाई हॉटस्पॉट का फीचर भी है, जिसके बारे में गाइज अभी हमने शुरुआत में बात की थी। तो गाइज यानी कि अगर कुल मिला के देखा जाए तो गाइज इसमें काफ़ी एक फीचर्स एडवांस फीचर्स मिलते हैं, इसीलिए गाइज अगर आप इस जियो मोटिव डिवाइस को लगाते हैं अपनी कार के अंदर तो गाइज इससे आपकी एक जो नॉर्मल कार है वो गाइज बदल जाएगी एक स्मार्ट कार में। और गाइज साथ ही में अगर हम बात करें तो गाइज इस जियो मोटिव डिवाइस का जो प्राइस है वो गाइज है इस समय 4,999 रुपये। और गाइज ये आप अमेज़ॉन से या गाइज रिलायंस डिजिटल स्टोर दोनों पर सेम ही प्राइस है, तो गाइज आप दोनों में से कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। और गाइज इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत ही सिंपल है, बस गाइज आपको इसके बॉक्स को ओपन करना है और गाइज ये जो जियो मोटिव डिवाइस है इसे गाइज आपको अपने कार के OBD पोर्ट है उसमें इंसर्ट कर देना है। और गाइज उसके बाद आपको सिंपली अपने स्मार्टफोन में कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी, जहाँ पर गाइज अगर हम बात करें तो गाइज आपको सबसे पहले जियो थिंग्स की एक एप्लीकेशन है जिसे गाइज आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करना पड़ेगा। और गाइज उसके बाद आप उसमें एक सिंपल इजी लॉगिन साइनअप वाली प्रोसेस है, उसे करने के बाद गाइज आप अपने डिवाइस यानी कि जियो मोटिव जो डिवाइस है उसे गाइज आप अपने स्मार्टफोन के साथ काफ़ी इजीली पेयर कर पाएंगे। और एक बार पेयर होने के बाद गाइज आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे और साथ ही में गाइज आप उसकी रियल टाइम लोकेशन भी देख पाएंगे और गाइज साथ ही में उसमें आपको रियल टाइम में हेल्थ रिपोर्ट और साथ ही में और अदर इंफॉर्मेशंस भी आपको मिल जाएंगी। और साथ ही में जब आप इस जियो मोटिव डिवाइस को परचेज करेंगे तो गाइज इसमें आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन एकदम ही फ्री मिलेगा। रुको जरा, और 1 ईयर के बाद भी गाइज इसमें काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट है, मात्र आपको 599 रुपये पर ईयर पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद गाइज आप पूरे 1 साल तक आप अपने व्हीकल को ट्रैक कर पाएंगे और साथ ही में गाइज उसकी करंट लोकेशन और स्पीड ट्रैकिंग रूट ट्रैकिंग और साथ ही में अपने पूरे व्हीकल की हेल्थ रिपोर्ट वगैरह वगैरह सभी चीज़ें गाइज आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। तो गाइज़ यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो गाइज ये जो जियो मोटिव डिवाइस है जो कि गाइज अभी रिसेंटली जियो ने लॉन्च की है वो गाइज एक काफ़ी अच्छी डिवाइस है और गाइज इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। और गाइज इसीलिए अगर आप इस डिवाइस को इंसर्ट करते हैं अपने कार के अंदर तो गाइज इससे आपकी एक जो नॉर्मल कार है वो कन्वर्ट हो जाएगी एक स्मार्ट कार में और गाइज फिर आप अपने स्मार्टफोन पर ही गाइज आप अपनी कार को ट्रैक कर पाएंगे। साथ ही में गाइज इसमें बहुत ही एडवांस फीचर्स हैं, जैसे हमने देखे अभी जियो फेंसिंग के बारे में हमने बात की, वाईफाई हॉटस्पॉट है वगैरह वगैरह, तो गाइज ये काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। और गाइज साथ ही में अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें जिससे उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। और गाइज साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि गाइज हम जो भी वीडियोज डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। और साथ ही में मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।